राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव बिहार वार्ड की निगम पार्षदा ने अपने वार्ड में महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। इस सफाई अभियान में मलेरिया विभाग की टीमें और सफाई कर्मचारियों की टीमें लगातार सफाई व्यवस्था करती नजर आई। वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षदा रीना कटारिया ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवालिया निशान भी उठाए। क्षेत्रीय निगम पार्षदा का कहना था कि केजरीवाल सरकार ने शिव बिहार वार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं, जिसके चलते आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अच्छा रीना जी, यदि बात करी जाए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगी? क्या महिलाएं लगती हैं आपको कि राजधानी दिल्ली में सेफ है? दिल्ली में जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, महिलाएं तो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं। हर क्षेत्र में महिला आज देश में अग्रणी है, नेता है। आप जैसे मुझे जानते हैं, मैं एक निगम पार्षद हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, और हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है, और हमारी महिलाएं इन रोज तरक्की कर रही है। आज महिलाएं वो भी है कि जो फाइटर प्लेन जा रही है, पहले किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा। यदि बात करी जाए, आज आप सफाई अभियान भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में चला रही हैं, ऐसे ही चलाती हैं या कोई आज स्पेशल चलाया है? वैसे तो हमारे वार्ड में निरंतर सफाई अभियान चलता ही रहता है, लेकिन आज महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, वो अच्छे से अपना मतलब मार्गदर्शन चुने, इसलिए उनको बढ़ाने के लिए, उनको क्षेत्र में अग्रणी रहे, उनके लिए हम सफाई अभियान चला रहे हैं। सफाई अभियान में क्या क्या, कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगी हुई है? मलेरिया की टीम है जो कि दवाई कर रही है, और सफाई जो हमारे सैनिक स्वच्छता वाले, वो हमारे सफाई अभियान कर रहे हैं। कुछ सरकार को सुझाव देना चाहेंगे या संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं किस तरीके से अपने आप को राजधानी दिल्ली में सुरक्षित समझें? एक तो महिलाओं, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए। वो अपने मुद्दे ढूंढते हैं, लेकिन जो जन जागरण जैसे महिलाएं निकलती हैं आजकल, वो सेफ नहीं है रोडों पे। जब से हमारे विधायक यहाँ से गए हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शिव विहार में दंगे हुए। जब तक हमारे विधायक थे तो यहाँ पे हम सब सुरक्षित थे, कभी हमने ऐसे दंगों का नाम सुना भी नहीं है, लेकिन जब से हाजी यूनिस आए हैं, तब से हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं समझती, ना ही हमारे यहाँ स्कूल में जो लड़कियाँ जाती हैं वो भी लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, यदि बात करी जाए, केजरीवाल सरकार ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, क्या वो सही तरीके से कैमरे वर्क कर रहे हैं, या फिर महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित मानती हैं? हमारे यहाँ जो मुस्तफाबाद विधानसभा है, इसमें कहीं भी कैमरे आप मेरे को दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊँ, हमारे यहाँ तो कहीं भी कैमरे नहीं है। और जबकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया है कि इसमें दंगे हुए थे, तो इसमें कैमरे लगे होने चाहिए। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, ना ही यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। सरकार यहाँ पानी नहीं है, पानी से परेशान है लोग, खारा पानी, इतनी टैंकर आते हैं एक दो, उनमें इतनी लंबी लाइनें हो जाती हैं, कोरोना वैसे चल रहा है, लेकिन मतलब कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, ना पीने के पानी की, ना लाइट की, जैसे उन्होंने कहा था फ्री, कोई फ्री नहीं है, सबके बहुत बहुत मीटर से बिजली के बिल आ रहे हैं। सर, यदि बात करी जाए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है, क्षेत्रीय निगम पार्षदा हैं, सफाई अभियान चला रही हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका सशक्तिकरण हो और वो सुरक्षित हो सब प्रकार से। और जो यहाँ पर हमारे वार्ड में हमारी निगम पार्षद चारों तरफ से स्वच्छता का अभियान चला रही है, मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारा क्षेत्र देखिए कितना साफ और स्वच्छ और सुंदर है, और यही क्षेत्र नहीं है, मैं दिल्ली नगर निगम को और EDMC को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि
जिस प्रकार से आर्थिक संकट से जूझते हुए भी वह संघर्ष करके इस प्रकार से ग्राउंड लेवल की सभी व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से चला रहे हैं, मैं फिर पुनः जो है धन्यवाद ईडीएमसी का करना चाहूंगा। अच्छा, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में, क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? राजधानी दिल्ली में जैसा कि अभी आप प्रश्न कर रहे हैं कि आपने देखा यहाँ पर कोई भी एक भी कैमरा स्वीकार में, आप भी, मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई रवि जी आप भी यहीं के निवासी है, कहीं एक कैमरा लग रहा हो जो ढोल पीट रहे थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम जो है नी गार्ड सुरक्षित बसों में करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल लेकर जाते हैं और स्कूल से वापस भी लेकर आते हैं, जिसके चलते माँ बापों में भी भय का माहौल है। वहीं क्षेत्रीय निगम पार्षदा ने सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में सफाई व्यवस्था विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें मलेरिया विभाग की टीमें और सफाई कर्मचारियों की टीमें लगातार क्षेत्र में सफाई कर रही हैं। महिलाओं के लिए तो हम ये कहेंगे यहाँ सुरक्षित तो नहीं है, क्योंकि आज ये लड़के जो है ना, लड़कियों का निकलना दुश्वार कर देते हैं, जगह जगह पे ये गुट बना के खड़े रहते हैं, अगर इन्हीं से कहो तो लड़ने के लिए तैयार है, तो इसलिए कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। बस लड़कियों के बारे में यही है कि लड़कियां सिर्फ यहाँ पे स्कूल भी जाती हैं तो वहाँ भी लड़कों का मामला सिर्फ यहाँ पे लगा रहता है, निकलने में आने जाने में लड़कियों को ही दिक्कत हो रही है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से वही यही निवेदन है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, या कोई पुलिस वाले वगैरह या कोई सिक्योरिटी गार्ड मतलब लड़कियों की सेफ्टी के लिए खड़े रहे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपकी क्षेत्रीय निगम पार्षदा ने सफाई अभियान चलाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए तो ये कहना चाहेंगे कि जब से वो इस एरिया से चुनाव जीत के आई हैं तब से तो यहाँ बेहतर काम हो रहा है, साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जा रहा है, रोज गाड़ियाँ भी आ रही हैं और कूड़ा भी हम लोग उसमें गाड़ियों में डालते हैं। आज स्पेशल अभियान चलाया या रोज ऐसा ही रहता है? नहीं, वैसे तो गाड़ियाँ रोज आती है पर आज ज्यादा स्पेशल है। कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकार को या पुलिस को कि किस तरीके का कोई संदेश आप देना चाहें? संदेश क्या, जब से केजरीवाल सरकार आई है हमारे लिए तो खा भी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, कभी पिल्सन देती है कभी खा जाती है, कभी कुछ करते हैं कभी किसी उसमें राशन में गड़बड़ हो जाती है, और पिछले महीने भी पिल्सन नहीं आई, पीछे भी पिल्सन खा जाते हैं और पानी भी किल्लत होता है। अच्छा, आपकी क्षेत्रीय निगम पार्षदा ने आज सफाई अभियान चलाया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सफाई होती है, गाड़ी भी आती है कूड़ा उठा कर ले जाती है, गाड़ी घर घर भी आती है, घर का भी कूड़ा ले जाती है उठा कर, बहुत अच्छा चल रहा है इसका। अच्छा, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज इन्होंने स्पेशल चलाया या चलता रहता है? नहीं, रोज भी चलता रहता है, गाड़ी रोज की आती है, कूड़ा हम सब घरेलू जो है वो कूड़ा डालते हैं। बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे और पार्षद जी ने भी कहा कि जो ये नकली सरकार का वादा था ना कि हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए कैमरे लगाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए वाईफाई लगाएंगे, तो अपने वादों को भूल गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और हमेशा रहेगी। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड,
एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9212-47-8312, 9211-41-8312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।